Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors or Mehu Dietitian Manjumali. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही आसान है बनाने दे आर लोडेड विद वाइटमिन एंड मिनरल्स ओमेगा थ्री है इसके अंदर यानी बहुत ही हेल्दी फैट दे आर रिच इन फाइबर दे आर रिच इन प्रोटीन एंड बेस्ट पार्ट इज दे आर वेरी वेरी ईजी टू मेक बहुत ही कम टाइम में बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो चलिए इन स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं ये जो स्नैक्स हैं इनके अंदर हमने फ्लैक सीड्स का इस्तेमाल किया है आमंडस का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा बिल्कुल मॉड्रेशन में हम इसमें घी भी यूज़ कर रहे हैं आप चाहें तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ डिटेल में आप तो इन हेल्दी से स्नैक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप ग्रेटेड कोकोनट मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट लिया है आप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा कप हमें बादाम चाहिए एक तिहाई यानी वन थर्ड कप हम लेंगे सीड आधा कप से थोड़ा सा नीचे होने चाहिए क्विक ओट्स मैंने लिया है वन थर्ड कप अगेन जागरी यानी गुड़ हम लेंगे आधा कप देसी घी या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल एक टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली है ये थिक बॉटम की कढ़ाई है सबसे पहले मैंने इसमें ओट्स को ऐड कर दिया है और ओट्स को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी ओट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे आमंड्स को तो जब ओट्स हल्के हल्के बहुत लाइट ब्राउन होने लगे तो उसमें हम आमंडस को ऐड कर देंगे इसी कढ़ाई में मैंने सीड्स को भी ऐड कर दिया है फ्लैक् सीड्स को बहुत कम टाइम लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमारी जो कढ़ाई है ऑलरेडी वाम है इसके इंग्रेडिएंट्स वाम है तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा एंड एंड में हमें ऐड करने हैं हमारा ग्रेटेड कोकोनट इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और ये हल्का हल्का क्रिस्पी हो जाएगा तो हमारी जो रोस्टिंग है वो कम्प्लीट हो गई है ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं आमंड्स के अंदर क्रैक आ गया है हमारे फ्लैक्सी भी पफ हो गए हैं अब इस मिक्सचर को हमें ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कि हमें सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड करके इनका एक रफ कोरस सा पाउडर तैयार कर लेना है तो देखिए ये एक कोरस पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है अब वो एक टेबल स्पून जो हमने घी लिया था वो हम अगेन पैन में ऐड कर देंगे पैन में ऐड करने के बाद हमें गुड़ को इसमें मेल्ट करना है तो घी को पहले अच्छी तरह से आपको गर्म कर लेना है और फिर मैंने उसके अंदर जागरी ऐड कर दी है इस तरह स्पैचुला की मदद से आप ब्रेक करके अपनी जागरी को मेल्ट कर लीजिए एक चीज़ का ध्यान रखें हमें यहाँ पर कैरमलाइज नहीं करना है जागरी को सिर्फ हमें उसे मेल्ट करना है अगर आप ओवर कुक करेंगे तो वो चिक्की की कंसिस्टेंसी आ जाएगी और लड्डुओं की बाइंडिंग ठीक नहीं होगी सो मेक श्योर यू ओनली हैव टू मेल्ट द गुड़ यू डोंट हैव टू ओवर कुक इट ओवर डू मत करना जो पाउडर था हमारा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर लेंगे हिला के स्पेचुला की मदद से इसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है गैस यहाँ पर आपको बंद कर देनी है स्टोव जो है यहाँ बंद हो जाएगा बिना हीट के हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा जल्दी करना है लड्डू बनाने के लिए जैसे ही ये कंफर्टेबल हो जाएं कि आप इन्हें बाइंड कर सकें इनकी बाइंडिंग का प्रोसेस आप शुरू कर लीजिए हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले जो साइड या ऊपर का जो मिक्सचर है उससे लड्डू बनाएं बिल्कुल आप सेंटर से बनाने लगेंगे तो वो ज़्यादा वॉम होगा और देखिए हमारे बहुत ही हेल्दी डिलिशियस न्यूट्रिशियस लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फैट सॉलेबल जैसे कि वाइटामिन ए है इसके अंदर वाइटामिन के है इसके अंदर वाइटामिन ई e है ओमेगा थ्री है इसके अंदर ओमेगा सिक्स है इस रेसिपी के अंदर फाइबर में भरपूर है ये प्रोटीन में हाई है इनके अंदर कॉपर मैग्नीशियम है कैल्शियम है सो so हर तरह से ये लड्डू आपके लिए हेल्दी हैं अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो वेट लॉस के लिए वेट मैनेजमेंट के लिए हंगर को कर्ब करने के लिए बिंज ईटिंग से बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए अपनी शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए आपकी गट की हेल्थ के लिए आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए एनर्जी बूस्ट करने के लिए और आपकी इम्यून सिस्टम के लिए ये रेसिपी जो है वो बहुत ही हेल्दी रहने वाली है तो हमारे ये हेल्दी एनर्जी बाइट्स दे आर वेरी स्मॉल एज़ यू कैन सी और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी स्नैक्स आप खाएं वो आपकी मुट्ठी के अंदर भर जाना चाहिए फिट हो जाना चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ज़्यादा बड़े साइज़ के ना बनाएं दे आर नॉट ओनली इजी टू मेक इनके अंदर कोकोनट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इनके अंदर फ्लैक्सीड्स है जो फाइबर में लेगन ने जो हार्मोनल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यानी जो फाइट्रो एस्ट्रोजन्स होते हैं उनमें रिच है ओमेगा थ्री भरपूर मात्रा में है आमंडस के अंदर भी ओमेगा थ्री होता है इसके अलावा ओट्स है जिसमें जिंक होता है इसके अंदर ओट्स के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट फाइबर होता है जैसे कि बीटा ग्लूकिन सिलेनियम होता है उसके अंदर आयन होता है उसके अंदर और कोकोनट जो है मैंने यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल किया है फ्रेश ग्रेट करके आप ड्राई यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्रेश कोकोनट का फ्लेवर ही अलग होता है मैं भी बहुत बार ड्राई यूज़ करती हूँ वन आई हैव वेन आई डोंट हैव फ्रेश कोकोनट अवेलेबल इन माई हाउस बट आज था तो मैंने यूज़ कर लिया अभी so, टेस्ट टेस्ट की बारी आ गई है आई हार्डली रिकमेंड कि आप इसे ट्राई करें बच्चों को भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी मैंने यूज नहीं किए हैं ये आपको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है विंटर सीजन आ गया है मैंने घी को अच्छी तरह पकाया था आपने देखा तो उससे इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है तो क्लीन किसी डब्बे के अंदर आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं तो आप इन्हें जरूर ट्राई करें अगर ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे इनकी पिक्चर्स लेके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डीएम कर सकते हैं मुझे टैग वहां पर करना ना भूलें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट स्टे एक्टिव एन आल बी बैक वी सुन टाइम यू टेक केयर बाय बाय एंड इट्स टाइम फॉर मी टू फिनिश दिस लड्डू विच आई बिन वेटिंग फॉर Mmm.